दोस्तों ये देखिए हम आ पहुँचे आमेर फोर्ट। मम्मी को देखो उधर पहाड़, वो उधर देखो ना फोर्ट, देखो कितना सुंदर लग रहा है, वो बड़ा सा फोर्ट उधर देखो। यहाँ पर तीन राजाओं ने राज किया था। पहला राजा बर्मा मीणा थे जो आपने मारना पड़ता था, यहाँ पर कुछ नहीं लेकिन वो रिश्तेदार हैं यहाँ के सवाई मानसिंह के। यहाँ पर सवाई मानसिंह सबसे लास्ट में उनके फादर आए थे, जो आप जयपुर देख रहे हैं ना, ये जयपुर से पहले एक और जयपुर है, यहाँ से 90 किलोमीटर दूर जिसको बोलते हैं भूतों का भांगड़। हाँ भांगड़ फोर्ट है, वहाँ से राज परिवार भट के आके जयपुर में बसा था। जयपुर का नाम भी जयसिंह के नाम से रखा गया। तो आ जाता वापस, जो रुकता है वो वापस नहीं आता। आप आज भी उसके दीवारों में सुनेंगे ना आपको बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि ताज़ा ताज़ा ब्लेड। बाकी बहुत बड़ी स्टोरी है, मम्मी चलते हैं। लीजिए हम आ पहुँचे हैं यहाँ का सबसे फेमस कचौरी वाले, इनका नाम है लक्ष्मी नमकीन भंडार, सबसे पुरानी दुकान, 1960 की दुकान। और ये देखिए बताया जाता है बहुत ही फेमस कचौड़ी, पकौड़ी, दाल की पकौड़ी, और ये अलग अलग टाइप का व्यंजन। क्या फेमस है वैसा आपका शॉप का है? आलू प्याज की कचौड़ी, आलू प्याज की कचौड़ी। और ये दाल की जो होती है, ये दाल वाली भी कचौड़ी है, आलू प्याज वाली कचौड़ी है, हमारे सब आइटम, सब आइटम। और समोसा, समोसा कितने साल पुरानी आपकी दुकान? 60-70 साल पुरानी। खिलाइए वैसा फिर कचौड़ी कचौड़ी, आलू प्याज वाला, दाल वाला जो आपका फेमस हो, आलू प्याज वाली खाइए, आलू प्याज वाली पहले खिलाइए फिर। और ये कौन से है? मिर्ची, ये मिर्ची वाला है, आलू वाला है, बड़ी मिर्ची है जो है। अच्छा चलिए एक एक खिला, लीजिए गर्मा गर्म प्याज आलू की कचौड़ी, ये वाली है दाल की कचौड़ी, और ये है मिर्ची वड़ा। और ये देखिए इसमें फिलिंग देखिए कितनी शानदार फिलिंग है। और ये आ गया मिर्ची की पकौड़ी, राजा का टोल गेट सर्वेंट और जनरल पब्लिक इस गेट से एंट्री लेता था। इसके सामने की तरफ है ईस्ट फेसिंग गेट, सन गेट, सूरज पोल। राजा के पार्ट है जनरल मीटिंग हॉल, दीवाने आम। महाराजा यहाँ पे दरबार लगाया करते थे आम पब्लिक के लिए, पब्लिक इस ग्राउंड पर बैठती थी। सेंटर में राजा का सिंहासन लगता था, दाएं बाएं उनके मंत्री वगैरह बैठते थे, कल्टेन से डेकोरेट होता था। जोधा अकबर मूवी देखी है आपने, उसके अंदर जो दरबार का शूटिंग किया था वो यहीं पे किया है। जोधा अकबर में जोधा अकबर ने कैसे दरबार का शूट किया यहाँ का शूट। हिंदू धर्म के अनुसार मकान के एंट्री गेट पर गणेश जी का मूर्ति रखा जाता है। सामने आपको गणेश जी का पेंटिंग दिख रहा है,
ये हमारा लगभग 350 साल पुराना पेंटिंग जो कि नेचुरल कलर वेजिटेबल कलर पे है। जैसे वेजिटेबल कलर से मतलब ग्रीन कलर, पालक बतवा मेथी, लाल कलर, चकुंदर। गणेश जी की पेंटिंग के कारण इसे गणेश पोल का नाम दिया गया है। इसके अंदर ओनली VIP राजा के फैमिली वगैरह ही जाया करती थी, जनरल पब्लिक को एंट्री नहीं थी। इसके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर 3 जाली उसे सुहाग मंदिर पे, सुहाग मंदिर पर मूर्ति वाला नहीं, राजा रानी के बैठने के पहले। जब इस ग्राउंड के अंदर कल्चर प्रोग्राम, डांस प्रोग्राम होता था तो राजा तो दरबार में बैठ के देखते, रानी जाली के पीछे बैठ के देखा। इधर ये राइट हैंड साइड में 5 जाली नजर आ रही है, ये है राजा का किचन डाइनिंग जो प्रदेश में पब्लिक के लिए बना। किचन डाइनिंग वो जाली दिख रहा है सामने, जाली दिख रहा ना रानियों के लिए। नहीं, रानियां सामने। ये देखिए, हम इस समय टॉप पे पहुंच चुके हैं अमित फोर्ट के ऊपर, और यहाँ से मैं आपको पूरा दिखाऊंगा। देखिए व्यू कितना सुंदर व्यू दिख रहा है। ये देखिए बहुत ही सुंदर, ये दूर दूर से आपको दिखलाई दे रहे हैं आपको। ये देखिए वो दिख रहा है, वो देखिए कितनी सुंदर जगह, वॉल ऑफ चाइना है, कितने टॉप तक ये वॉल्स बनाई गई हैं, ताकि उस ज़माने में जब आक्रमण हुआ करता था उससे राजा का कैसे अपनी सीमाओं को सेव करते थे। बहुत ही सुंदर आर्किटेक्चर का नज़ारा, बहुत सुंदर। बता रहे हैं कि अब इस जगह पे जो है जोधा अकबर में शूट हुआ था इस जगह पे। थोड़ा इतिहास पूरा डिटेल बताया गया है कि इसमें किस किस तरीके से यहाँ पे इस जगह का क्या पौराणिक की क्या है। यही चीज़ जो है इंग्लिश में पूरा बताया गया है। ये जोधा अकबर का एक शॉट शूट किया गया था, ये देखो इस जगह पर कितना सुंदर आर्किटेक्चर, बहुत सुंदर नज़ारा। आर्किटेक्चर देखिए कितना अच्छा हुआ करता था कि आज तो ऐसा आर्किटेक्चरल कोर्सेस तो कभी नहीं बन पाएगा। उनको कितनी मेहनत लगती होगी बनाने में। अगले गीजर बनवाया था, फायर पैलेस होता है जिसे अंगीठी कहते हैं। नीचे लकड़ी कोयला जलता था, एक साइड वाटर टैंकर, उसके अंदर पानी डाला जाता था, इधर से पानी गर्म होता था, स्टीम बनता था। स्टीम बनने के बाद महाराजा स्टीम मसाज स्टीम बाद इस पर लिया करते, लकड़ी का कोयला यहाँ से धुआं यहाँ से बाहर निकल गया। आइए मसाज इन साइड वाटर और पानी के अंदर गुलाब जल केवड़ा गुलाब की पत्तियाँ डालकर रानी को निलाया करती थी, जैसा आप पिक्चर वगैरह में देखते हैं। उधर से फिर गंदा पानी एग्जिट किया जाता था नीचे का। प्राइवेट कॉरिडोर था, रानी इधर से सी मेल से आती जाती थी, यहाँ दरवाजे लगते थे, ये जनरल टॉयलेट था। सर आउट एंड गेट के आउट एंड का है लेकिन वेजिटेबल कलर पेंटिंग, और ये जो जो आप छत के ऊपर देख रहे हैं ये जेम्स स्टोन पेंटिंग है। जेम्स स्टोन ये होता है।
गार्डन होता था रानी के लिए चार पार्ट। मिर्जा मानसिंह ने बनवाया था अपनी महारानियों के लिए। ग्राउंड फ्लोर के ऊपर चारों तरफ कमरे बने हुए हैं, तीन आपके बैक साइड में हैं, तीन आपके राइट हैंड साइड, तीन आपके लेफ्ट हैंड साइड रूम है, तीन फ्रंट साइड रूम है। ये इसे हिंदी में जनानी ड्यूटी कहते हैं, उर्दू में हरम। हरम के अंदर जेंट्स एंट्री नहीं होती थी, महारानी की सेवा के लिए लेडी सर्वेंट दासी और प्राण देकर गुजरे काम करते हैं। ये रानियों के रूम होते हैं चारों तरफ अलग अलग साइड के, और एक रानी को दूसरी रानी के कमरे में आने का अनुमति नहीं होता था। रानी को यदि मीटिंग करना हो सेंट्रल पहले ग्राउंड होता है जिसे बारह दरी कहते हैं, बारह दरी यहाँ पर बैठ के मीटिंग कर सकती थी, गेम वगैरह खेल सकती, चौपड़ पांदा फैमिली फेस्टिवल होता, होली दिवाली तीज गणगौर सभी के सिंहासन लग जाते थे चारों तरफ, और ग्राउंड के अंदर कल्चर प्रोग्राम डांस प्रोग्राम होता था, और महारानी के जो बॉडीगार्ड भी होते थे वो ट्रांसजेंडर ही हुआ ऊपर वाच टावर्स के ऊपर चारों तरफ बॉडीगार्ड उनके। मिर्जा मानसिंह जब भी जाते हैं फर्स्ट फ्लोर के ऊपर मानसिंह जी का पहले और ये बरसात का सारा पानी कलेक्ट किया जाता था, यही पानी नहर सिस्टम से लिफ्ट करके पैलेस में पहुंचाया जाता था। सामने जो गार्डन है ये सेफ्रोन गार्डन के नाम से जाना जाता है, उधर जो चेयर्स रखा हुआ है वहाँ पे लाइट हैंड साउथ इवनिंग में होता है। इधर राइट लेफ्ट हैंड साइड के पास चल आराम का बाग है, दिले आराम का बाग है, सामने वो ग्रेट वॉल नजर आ रहा है, हमारा अमेरिका ग्रेट वॉल डिफेंस वॉल। ये नीचे से आपको रास्ता जो दिख रहा है ये एलिफेंट राइडिंग का होता है, मॉर्निंग में एलिफेंट राइडिंग होता है। तो ये जो मॉल है सर ये एक ही तरफ से मतलब आगे तक नहीं है, पूरा घूमता हुआ उधर गेट आता है आगे जाके, नहीं आगे जाके नीचे गेट दिखेगा, मॉल पूरा चारों आर भी जयगढ़ की मार्केट है। वहां जाने को अलाउ है? हां जा सकते हैं आप नीचे ऑन रोड केसर गार्डन में, केसर गार्डन पर Yeah.
जान चली रात गई है ना चली नमस्कार करी सर राजस्थानी सलमान खान I'm gonna go.